हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल भट्ट और आप देख रहे हैं कपिल भट्ट क्यूब, जहां मैं आप लोगों को लाता हूं क्यूब से कुछ बेहतरीन वीडियो। तो ये है सेकंड ट्यूटोरियल ऑफ OLL, फुल OLL का दूसरा पार्ट है दोस्तों ये। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक नोटेशन, हमेशा की तरह राइट लेयर को R से, लेफ्ट लेयर को L से, अपर को U से, डाउन लेयर को D से, फ्रंट को F से, बैक लेयर को B से, मिडिल को M से और सेंटर लेयर को C से शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ साइन है हमारे, वो भी देख लेते हैं क्या है। साइन क्या है, राइट लेफ्ट और मिडिल केस में अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो यूज होंगे, अपर डाउन और सेंट्रल एयर केस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो यूज होंगे, फ्रंट बैक और रियर केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एरो को यूज करना है। तो सबसे पहला केस है हमारा स्क्वायर केस। उससे पहले मैं आपको बता दूं राइट लेफ्ट क्या होता है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये अपर है, ये डाउन लेयर है, ये फ्रंट लेयर है, ये बैक है, ये मिडिल लेयर है, ये सेंट्रल लेयर है और ये है हमारी फाइनली ई लेयर। स्मॉल आर बोले तो राइट साइड से दो लेयर को एक साथ घुमाएंगे तो स्मॉल आर, इसी तरह सभी डबल लेयर घुमाएंगे तो स्मॉल स्मॉल होता जाएगा। तो सबसे पहला केस कौन सा है हमारा, स्क्वायर केस है। तो चलिए फिर शेप आप डायग्राम देख रहे होंगे कुछ इस तरह का, आपको एक स्क्वायर दिख रहा है 2x2 का, अपने उसे बॉटम राइट साइड रखना है और पीछे आपको एक बार दिख रहा होगा, इधर भी एक बार दिख रहा होगा, इधर एक कॉर्नर होगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए डायग्राम को, पैटर्न को, या फिर से अप्लाई करते हैं इसे। क्या कह रही है एल्गोरिथम, स्मॉल आर को नीचे, स्मॉल आर बोले तो राइट साइड से डबल लेयर को एक साथ ऊपर या नीचे करना होगा, ठीक है। स्मॉल आर बोले तो एक साथ दो लेयर को टर्न करना, स्मॉल आर को नीचे, यू को दो बार आगे, एक बार दो बार आई किया मैंने यू को, आर को ऊपर, आर को ऊपर किया, यू को फिर आगे, यू को फिर आई किया, आर को नीचे, आर को नीचे किया, यू को आगे, यू को आई कर दिया और स्मॉल आर को ऊपर, स्मॉल आर डबल लेयर को एक साथ ऊपर कर दिया। तो इस तरह कंप्लीट। चलिए फास्टर में करते हैं, बना लिया मैंने। फास्टर में कैसे वर्क करेगा ये, कुछ इस तरह। तो ये है ओरिएंटेशन 6 और आप देख सकते हैं डायग्राम, डायग्राम जैसा बना है पैटर्न वैसे ही बना है। स्क्वायर ऊपर की तरफ है, एक बार फ्रंट पर, राइट लेफ्ट साइड पे एक बार है, यहाँ एक कॉर्नर। इस एल्गोरिथम को हमें करना है अप्लाई। तो करते हैं, स्मॉल आर को ऊपर, डबल लेयर को एक साथ ऊपर किया, यू को दो बार आगे, एक बार दो बार आई किया, आर को नीचे, आर को नीचे किया, यू को पीछे, यू को पीछे किया, आर को ऊपर, आर को ऊपर कर दिया, यू को फिर से पीछे, यू को फिर पीछे किया और फाइनली स्मॉल आर को नीचे, फाइनली स्मॉल आर को नीचे किया। तो चलिए फास्ट केस बना लिया है मैंने, चलिए फास्ट में करते हैं। फास्ट में कुछ इस तरह हो जाएगा। तो इसका नाम है स्मॉल लाइटिंग बोल्ट। ये है नेक्स्ट केस हमारा, इसमें आप देखेंगे बोल्ट टाइप का कुछ आएगा, हर बार इस तरह कुछ शेप होगा अलग अलग एंगल से, ठीक है। ओरिएंटेशन 7 है, आप देख रहे हैं कुछ डायग्राम में जिस तरह बना है वैसा ही बना है। सामने एक बार है, राइट साइड पे बार है, पीछे एक एरो। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करना है, पिछले केस की तरह ही रिवर्स एल्गोरिथम है उसकी। स्मॉल आर को ऊपर, स्मॉल आर को ऊपर किया, यू को आगे, यू को आगे, आर को नीचे, आर को नीचे, यू को अगेन आगे, फिर से आगे किया यू को, आर को ऊपर, आर को ऊपर किया, यू को दो बार आगे, एक बार दो बार आई किया और स्मॉल आर को नीचे, स्मॉल आर को नीचे कर दिया। तो चलिए रिवर फास्ट टर्म कर। तो फास्ट टर्म किस तरह वर्क करेगा, ये कुछ इस तरह वर्क करेगा। तो ये केस है पिछले केस की तरह है। ओरिएंटेशन 8 आप देख रहे होंगे, पिछली बार भी इसी तरफ था, राइट साइड पे एक बार दिख रहा होगा और पीछे भी आपको एक बार, कॉर्नर इस तरफ होगा, ठीक है। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, एल्गोरिथम क्या कहता है, स्मॉल आर को नीचे, स्मॉल आर को नीचे किया, यू को पीछे, यू को पीछे किया, आर को ऊपर, आर को ऊपर किया, यू को फिर पीछे, यू को फिर पीछे किया, आर को नीचे, आर को नीचे किया, यू को दो बार आगे या पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता और स्मॉल आर को फाइनली ऊपर, स्मॉल आर को फाइनली ऊपर किया। चलिए फास्टर में करते हैं। तो केस बना लिया मैंने, फास्टर में करते हैं और इस फास्टर में इस तरह वर्क करेंगे। तो ये है ओरिएंटेशन 11 केस, आप देख ही सकते हैं ऊपर एक आपको दिख रहा है, पीछे बार है, यहाँ 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 एक कॉर्नर एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करना है, एम के बाद पूरे शून्य केस है जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, ठीक है। तो क्या कहता है ये, एम को नीचे, मिडिल लेयर को नीचे, आर को ऊपर, आर को ऊपर किया, यू को आगे, यू को आई किया, आर को नीचे, आर को नीचे किया, यू को फिर से आगे, यू को फिर से आई किया, आर को ऊपर किया, यू को दो बार आई करना है इस बार, एक बार दो बार आई किया, आर को नीचे किया, यू को फिर आगे, यू को फिर आगे, एम को फाइनली ऊपर, एम को फाइनली ऊपर। तो इस तरह टॉप पे सही बन जाएंगे। चलिए फास्टर में करते हैं। तो फास्टर में किस तरह वर्क करेगा ये, एम और ये पूरा का पूरा शून्य केस और इस तरह कंप्लीट। तो ये है ओरिएंटेशन 12 केस, आप देख सकते हैं डायग्राम में, पीछे एक बार है, कॉर्नर कॉर्नर और ये एजेस, ठीक है। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, क्या कह रही है एल्गोरिथम, एम को नीचे, मिडिल लेयर को नीचे और फिर एंटी शून्य केस है, लेफ्ट साइड से वही शून्य केस, एल को ऊपर,
एल को ऊपर किया, यू को आगे किया, एल को नीचे, एल को नीचे किया, यू को फिर आगे, यू को फिर आगे किया, एल को ऊपर किया, यू को दो बार आगे या पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता, एल को नीचे किया, यू को आगे किया, एम को ऊपर, इस तरह पूरा कंप्लीट होगा। तो चलिए फास्ट फॉर्म करते हैं। केस बना लिया मैंने, फास्ट फॉर्म किस तरह वर्क करेगा ये, एम को नीचे और पूरा लेफ्ट साइड से सुने केस और ये कंप्लीट। तो ये है एल शेप, एल शेप आप देख रहे हैं, जितने भी केस आएंगे एल शेप पर आएंगे, इसी तरह कुछ केस बनेंगे। ये है ओरिएंटेशन 47, आप केस देख लेते हैं। इस तरह कुछ एल शेप होगा, सामने एक बार होगा, राइट साइड पे हेडलाइट होगी, ठीक है, और इस एल्गोरिथम को अप्लाई करना। क्या कहती है एल्गोरिथम, फ्रंट को एंटी क्लॉक वाइज, तो इस तरह रख के से फ्रंट को एंटी क्लॉक वाइज हुआ हमने, एल को ऊपर किया, यू को पीछे किया, एल को नीचे किया, यू को आगे किया, फिर से वही एल को ऊपर किया, यू को पीछे किया, एल को नीचे किया, यू को आगे किया, फ्रंट को क्लॉक वाइज, फ्रंट को क्लॉक वाइज। चलिए फास्टर में करते हैं। तो फास्टर में कैसा वर्क करेगा ये, कुछ इस तरह। ये है ओरिएंटेशन 48, पिछले केस की तरह ही है, रिवर्स एल्गोरिथम है उसकी, आप देख रहे हैं पिछले केस की तरह ही, सामने बाहर है, उस बार लेफ्ट साइड से था, उस बार राइट साइड से था, इस बार लेफ्ट साइड से। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, एल्गोरिथम क्या कहती है, फ्रंट टू क्लॉक वाइज, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे किया, फिर से वही रिवर्स, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, फाइनली वो फ्रंट को एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। फास्टर में किस तरह वर्क करेगी यही एल्गोरिथम, फ्रंट को क्लॉक वाइज और फाइनली फ्रंट को एंटी क्लॉक वाइज। तो ये है ओरिएंटेशन 49, केस आप देख सकते हैं, एक एल है पीछे, एक पूरा का पूरा लाइन बनी हुई है, सामने एक बार है, ठीक है, एक लाइन एक बार। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, स्मॉल आर को ऊपर, स्मॉल आर को ऊपर किया मतलब राइट साइड से डबल लेवर को ऊपर, यू को पीछे किया, स्मॉल आर को दो बार नीचे किया मैंने स्मॉल आर को, यू को आगे किया, स्मॉल आर को दो बार ऊपर, एक बार ये दो बार ऊपर किया मैंने स्मॉल आर को, फिर से यू को आगे कर दिया, स्मॉल आर को फिर से नीचे दो बार, एक बार ये दो बार नीचे किया मैंने स्मॉल आर को, और यू को पीछे और स्मॉल आर को एक बार ऊपर, स्मॉल आर को एक बार ऊपर। बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, दैट टफ नीट। चलिए फास्टर कर, तो फास्टर में किस तरह वर्क करेगा ये, कुछ इस तरह, और ये सॉल्व। तो ये है ओरिएंटेशन 50, आप देख रहे हैं एल जो होगा इस बार नीचे की तरफ होगा, पीछे एक बार होगा और लेफ्ट साइड पे इस बार भी लाइन है, पिछले केस की तरह ही है, बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है, स्मॉल आर को नीचे, डबल लेयर के साथ नीचे किया मैंने, यू को आगे किया, स्मॉल आर को दो बार ऊपर या नीचे, एक बार दो बार नीचे किया मैंने, यू को पीछे किया, स्मॉल आर को दो बार ऊपर, एक बार दो बार ऊपर किया मैंने, फिर से यू को पीछे कर दिया, स्मॉल आर को फिर दो बार नीचे, एक बार दो बार ऊपर या नीचे करो फर्क नहीं पड़ता, यू को आई किया और स्मॉल आर को नीचे, स्मॉल आर को नीचे। तो चलिए फास्टर में करते हैं। तो फास्टर में किस तरह वर्क करेगा ये, कुछ इस तरह वर्क करेगा। तो ये है ओरिएंटेशन 53, आप देख रहे हैं केस एल इस बार भी नीचे, लेफ्ट साइड पे एक पूरी लाइन है पर पीछे बार नहीं है, सिंपल एक एज है और यहाँ राइट साइड पे एक हेडलाइट है। इससे अपन इस एल्गोरिथम को लगाएंगे। क्या है एल्गोरिथम, स्मॉल आर को नीचे किया, यू को पीछे किया, आर को ऊपर किया, यू को फिर पीछे किया, आर को नीचे किया, यू को आगे कर दिया, आर को ऊपर किया, आर को ऊपर किया, यू को पीछे किया, आर को नीचे किया, यू को दो बार आगे या पीछे बढ़ाओ फर्क नहीं पड़ता, और स्मॉल आर को फाइनली ऊपर। फास्टर में किस तरह वर्क करेगा ये, कुछ इस तरह। तो ये है ओरिएंटेशन 54, डायग्राम आप देख सकते हैं, एक एल शेप हो रहा है, सामने आपको एक पूरी लाइन दिख रही है, पीछे की तरफ हेडलाइट है और एक ये एजेस। इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, क्या कहती है एल्गोरिथम, स्मॉल आर को ऊपर, यू को दो बार आगे, एक बार दो बार आगे किया मैंने यू को, आर को नीचे किया, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को फिर नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर किया मैंने, यू को फिर पीछे, यू को पीछे किया और स्मॉल आर को फाइनली नीचे, ठीक है। तो चलिए फास्टर में करते हैं। तो फास्टर में किस तरह वर्क करेगा ये, कुछ
इस तरह। तो ये है डब्ल्यू शेप, आप देखेंगे ऊपर एक डब्ल्यू का टाइप का बना हुआ है डब्ल्यू शेप का, और आप इस तरह बनाएंगे, ऐसे पैटर्न रखा हमने डब्ल्यू शेप का। एक लेफ्ट साइड पे एक बार दिखेगा, यहाँ एक एजेस और पीछे कॉर्नर, और इस एल्गोरिथम को अप्लाई करना है। क्या कहती है एल्गोरिथम? एल को ऊपर, एल को ऊपर किया, यू को पीछे, यू को पीछे किया, एल को नीचे, एल को नीचे किया, यू को फिर पीछे, यू को फिर पीछे किया, एल को ऊपर, एल को ऊपर किया, यू को आगे किया, एल को नीचे, एल को नीचे किया, यू को आगे, यू को आगे किया, एल को फिर नीचे, एल को फिर नीचे किया, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज, ये फ्रंट है देख रहे हैं, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मैंने, एल को ऊपर किया, और फ्रंट को क्लॉकवाइज, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाया। तो चलिए फास्टर में, तो फास्टर में कैसे वर्क करेगा, ये शेप केस बना लिया मैंने, तो फास्टर में कुछ ये इस तरह वर्क करेगा। तो ये है ओरिएंटेशन 38, यहाँ पर भी आपको एक डब्ल्यू शेप दिख रहा होगा और राइट साइड पे एक बार दिख रहा होगा, सामने ये जैसे पीछे कॉर्नर, और इस तरह ये एल्गो को अप्लाई करेंगे और उसे करेंगे सॉल्व। क्या कहती है एल्गोरिथम? आर को ऊपर, आर को ऊपर, यू को आगे, यू को आगे, आर को नीचे, आर को नीचे, यू को फिर आगे, यू को फिर आगे, आर को ऊपर, आर को ऊपर किया मैंने, यू को पीछे किया, आर को नीचे किया, यू को आगे, यू को सॉरी पीछे, आर को नीचे किया, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाया, आर को ऊपर किया, और फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज किया। तो चलिए फास्टर में करते हैं, तो फास्टर में कैसे वर्क करेगा ये, कुछ इस तरह। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आएगा आपके लिए ओएलएल पार्ट 3rd, मेरे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें और देखते रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यार अपना का भी कोई फर्ज बनता है बेल आइकन दबाने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।